हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी देसी बेर और इमली की खट्टी मीठी चटनी या अचार की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी होते हैं, खाने में बहुत चटपटा होता है, स्वाद में बहुत टेस्टी होता है, स्पेशली सर्दी में तो बहुत अच्छा लगता है ये अचार खाने में। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए देसी बेर, ड्राई बेर है ये, सूखा बेर, धूप में सूखा हुआ बेर है ये। ये आपको मिल जाएगा आसानी से कोई भी मार्केट में, बड़े मार्केट में ये बेर मिलता है। इसको धूप में सुखाना पड़ता है। तो धूप में सुखाने के बाद इसे अच्छे से मैंने धो के फिर धूप में सुखा के साफ कर लिया है। और भुना मसाले के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 साबुत लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया है जीरा, 1 टेबल स्पून पंच फोरन, 1 टेबल स्पून है यहाँ धनिया, 1/2 टीस्पून है सरसों और 2 टेबल स्पून है यहाँ इमली। 5 फोरन में होता है सौंफ, मेथी और कलौंजी। और मिठास के लिए यहाँ मैंने लिया है गुड़। गुड़ यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम। ये अचार स्वाद में खट्टा मीठा होता है, तो यहाँ मैंने गुड़ लिया है 200 ग्राम। आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और गुड़ के जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं भुना मसाला तैयार करूँगी। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें मैंने ये साबुत मसाला दे दिया है। अब इसको धीमी आंच में हमें रोस्ट करना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा जब इसमें से खुशबू निकलेगा तभी इसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। अब ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेंगे। अब कढ़ाई में मैं 1 टीस्पून सरसों का तेल यूज़ करूँगी। बेर को हल्का सा सौते करेंगे। आप सब जानते हो सरसों का तेल एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो इसमें अचार आप बहुत दिन तक रख के खा सकते हो, इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल यूज़ किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इमली और गुड़। एक साथ ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चाय के जो कप होते हैं नॉर्मली, उस कप के हिसाब से 3 कप पानी। गुड़ को गलने के लिए हमें पानी चाहिए और बेर को भी सॉफ्ट करने के लिए हमें पानी चाहिए, तो हमने पानी ऐड कर दिया है। अब देखिए उबाल आ गया है और गुड़ भी सारा मेल्ट हो गया है। अब इसको हमें धीमे आंच में पकाना है सॉफ्ट, जब तक सॉफ्ट ना हो जाए बेर। ये मेरी नानी की रेसिपी आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए ड्राई होने लगा है, पानी सूख गया है, अब धीरे धीरे ये ड्राई होने लगा है, थिकनेस आ गया है इसमें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस रेसिपी अगर अच्छा लगे आप सबको तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करके आप ऑल सिलेक्ट करना कि मेरे आने वाले रेसिपी के वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी स्वाद को बैलेंस करने के लिए, खट्टा मीठा और नमकीन स्वाद के लिए नमक भी ऐड किया है मैंने। और यहाँ मैंने 2 बूंद रेड फूड कलर यूज़ किया है, जैसे मार्केट में अचार मिलता है उस हिसाब से मैंने इसमें अच्छा लगने के लिए यूज़ किया है। आप स्किप भी कर सकते हो। आप भुना मसाला जो मैंने मिक्सी में तैयार किया है, 3 टेबल स्पून भुना मसाला मैंने ऐड कर दिया है अचार में। अचार हमारा बन के तैयार हो गया है, अब बस मसाले के साथ मिलाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अचार डिश आउट कर लिया है। होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करना फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी अचार है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।